सो हे गाइस, वेलकम बैक इन अवर YouTube चैनल द गेमर्स। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट अवर गेम प्ले वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आइए देख तो मजा आएगा। सो जैसे कि हम लोगों ने हमारी लास्ट वाली वीडियो में अनाउंसमेंट कर दिया था कि हम लोग हमारे जो ये माइनक्राफ्ट का 30 सा विलेज है उसको अपग्रेड करके एकदम ही ज्यादा ओपी सा विलेज बनाने वाले थे। तो इसके लिए हम लोगों को ऑब्वियसली यार तीन फॉर्म बनाने थे, जिसमें से हम लोगों ने ऑलरेडी एक फॉर्म बना दिया था, जो सबको या लाइक जितने लोगों ने वो वीडियो देखी होगी उन लोगों को मालूम होगा कि वो कभी वर्क करेगा ही नहीं, बिकॉज मैंने उस पर कथापंती कर दी थी। अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लेना। सो भी बारी आ चुकी है हमारे दूसरे फॉर्म बनाने की। जो हमारा दूसरा फॉर्म होने वाला है वो होने वाला है हमारा, क्या बोलते हैं यार उसको, मेरे को डोमिनेट यार याद करने दो, मैं खुद ही भूल गया। तो उसको बोलते हैं यस, तो उसको बोलते हैं बोन मिल फार्म। सो यस, हम लोग आज की वीडियो में बोन मिल फार्म बनाने वाले हैं। और अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम लोग तीसरा फार्म कौन सा बनाने वाले हैं। आप लोग कमेंट करके बताना कि वो तीसरा फार्म क्या हो सकता है जो हम लोगों को चाहिए होगा जो हमारा विलेज उसको अपग्रेड करने के लिए। सो यस, तो ये जो हमारा फार्म होने वाला है वो यहाँ पर होने वाला है। ये जो वर्क नहीं करता है फार्म, उसके एग्जिट सामने, यानी कि वो फार्म यहाँ पर होने वाला। लाइक जो बोनविल फार्म होगा उसको हम लोग हमारा ये जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसके अंदर ही बिल्ड करने वाले हैं। तो उसके सामने होगा ताकि जब हमें बोनविल लेने आओ तब मुझको याद रहेगा यार मैंने एक जमाने में एक भूल कर दी थी बहुत बड़ी, जिसका खामियाजा अब तक मैं भुगत रहा हूँ। लाइक यार पूरा का पूरा स्टोन वुड सब कुछ खत्म हो चुका है, बट अब जाने दो यार, उसका गुस्सा तब पीक पे निकाल के भी कुछ फायदा ही नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले यार मैं चाहता हूँ पूरा का पूरा सामान इकट्ठा करता हूँ और आप लोगों से मिलता हूँ सिर्फ 2 मिनट। A few moments later. So yes guys, यहाँ से मैंने पूरा का पूरा सामान इकट्ठा कर दिया है। और यार मैंने ये वाली पोस्ट की थी जिसमें आप लोगों को मैंने बताया था कि मैंने कम से कम 3 से 4 घंटा गेम खेली थी सिर्फ स्लाइम बॉल्स लेने के लिए, बिकॉज अब तक हम लोगों को यहाँ पे स्लाइम चंक मिला नहीं हुआ है और नहीं हम लोगों को स्वाम बायोम मिली है ताकि मुझे यहाँ पे स्लाइम बॉल मिल सके। तो उसके लिए यार मैंने ट्रेडर के वेट कर करके यार मैंने कितना गेम खेला तब जाके मुझको ट्रेडर मिला और बाद में मैंने उससे ट्रेड कर ली। सो यह सब हम लोग हमारा ये जो बोन मिल फार्म है उसको बिल्ड करने यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मुझको लगेगा यहाँ पे स्टोन, लाइक जो ये हमारा नॉर्मल स्टोन आता है, आप लोग किसी भी प्रकार का यहाँ पे स्टोन को यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे स्टोन का यूज़ करने वाला हूँ बिकॉज यार वो दिखने में अच्छा लगता है, लाइक एकदम फीलिंग उसको देख के ओपी वाली आ जाती है। तो जो जो चीज़ें चाहिए थी वो ये रही जो मैं आप लोगों को अभी यार इस वीडियो में, अगर आप लोगों को ठीक से समझ में नहीं आता है तो मैं इसकी दूसरी वीडियो भी परसों डाल दूंगा तो आप लोग उसको भी जाके देख लेना। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे 3-4 ब्लॉक को कुछ इस तरीके से लगाओ, लाइक 1-2, लाइक दूसरा ब्लॉक हमारा यहाँ पे आ जाएगा और एक ब्लॉक यहाँ पे और एक ब्लॉक यहाँ पे, और ये जो बीच वाला ब्लॉक है उसको मुझे यहाँ पे पिकेक्स से तोड़ देना होगा। तो ये रही हमारी पिकेक्स और अभी इसको मैंने यहाँ पे तोड़ लिया। ओके चलो, यहाँ पर ये इतना काम हो चुका है और हमारी इन्वेंटरी में यार जगह भी नहीं है तो अभी रहने दो। तो ये जो रेड स्टोन टॉर्च है वो यहाँ पर आएगी, जो ये लाइक रुको यहाँ से मैं लीवर भी ले लेता हूँ सबसे पहले। तो ये लीवर को हम लोग लगा देते किसकी जगह पे लगाएंगे अभी। ओके चलो, ये लीवर तो इसको हम लोगों ने यहाँ पे लगा दिया। अब लगाना होगा हम लोगों को यहाँ पे रेड स्टोन रिपीटर और ये इसी लाइक इसी दिशा में मूव होना चाहिए, ये आप लोगों को भी याद रखना होगा। तो यहाँ पर यार मुझे याद है वहाँ तक कि यहाँ पर नहीं आएगी, वो यहाँ पर आएगी। चलो ओपी, हम लोगों ने यहाँ पे जो रेड स्टोन टॉर्च लगानी थी उसको भी यहाँ पे लगा दिया है। सो अब बारी आती है और एक रेड स्टोन टॉर्च लगाने की, तो उसको हम लोग यहाँ पे लगा देते और यहाँ पे आ जाएगा हमारा एक रेड स्टोन डस्ट। ओके, तो अभी ये एक रॉक वर्क करना भी स्टार्ट कर चुकी है और अगर हम लोग इसको ऑफ करते तो कुछ इस तरीके से बंद भी हो जाती है। तो अब बारी आती है इसको, मुझे यहाँ पे 7 ब्लॉक आगे से बिल्ड करना होगा और सेम टू सेम मुझे यहाँ पे 1 ब्लॉक के गैप के बाद वापस से यहाँ पर भी हम लोगों को बिल्ड करना होगा। तो यह गया 1 ब्लॉक यहाँ पे लग जाएगा, 5, 3, 4। ओके चलो, यहाँ पर ये लग चुका है हमारे 7 ब्लॉक्स। ओपी, तो हम लोगों ने हमारा इतना सा सिंपल सा प्रिंट कर दिया। बारी आती है स्टिकी पिस्टन लगाने की, तो 1 ब्लॉक के गैप के बाद हम लोगों को यहाँ पे 5 स्टिकी पिस्टन को कुछ इस तरीके से लगाना होगा। तो स्टिकी पिस्टन भी यहाँ पर लग चुके हैं। तो अब बारी आती है वापस स्टोन लगाने की, तो स्टोन को हम लोगों को 1, 2, 2 लग जा रहा है, लग जा यार ये तो लग ही नहीं रहा है, 3। ओके चलो, यहाँ पे ये भी लग चुका है और हम लोगों को 3 ब्लॉक को कुछ इसी तरीके से यहाँ पे भी लगा देना होगा। तो ये आ गया हमारा और 3 स्टोन के ब्लॉक्स। तो बारी आती है पीछे वर्क करने की, तो वापस से हम लोगों को यहाँ पे आना होगा, ये जो हमारे स्टिकी पिस्टन है उसके नीचे हम लोगों को यहाँ पे स्टोन 5 स्टोन को कुछ इस तरीके से लगा देना होगा
और उसके ऊपर हम लोगों को लगानी होगी रेडस्टोन डस्ट और वो हमारे पिस्टन से कनेक्टेड हो जाएगी। जैसे ही वो कनेक्टेड हो जाएगी वैसे हम लोगों को इसको पूरी की पूरी जो हम लोगों ने नीचे क्लॉक बनाई थी उससे कनेक्ट कर देना होगा, जिससे होगा ये कि जो हमारे एसटी की पिस्टन है वो लाइक देख ही सकते हो आप लोग कि वो लोग आगे की तरफ पुश हो चुकी है। और अगर आप लोगों को ये दिखना नहीं आता है तो आप लोगों को करना ये होगा कि ये जो है उसके ऊपर जाना होगा। आप अभी आप लोग देख ही सकते हो कि यहाँ पर ये आगे की तरफ को भी पुश हो चुके हैं। तो बारी आती है सैंड को लगाने की, तो हम लोगों को सैंड को ये जो हमारी स्टिकी पिस्टन है उसके एग्जस्ट सामने के जो ब्लॉक है उसके ऊपर लगाना होगा। तो यहाँ पर मैंने ये भी लगा दिया। अब हम लोगों को यहाँ पर वापस से एक ब्लॉक ऊपर लगाना होगा जाने के लिए। यार जो बोलो वो फार्म बनाने में मज़ा तो बहुत आ रहा है। तो अभी ये जो हमारा स्टिकी पिस्टन आगे आया हुआ है उसके ऊपर हम लोगों को सैंड का ब्लॉक को कुछ इस तरीके से लगाना होगा और आप लोगों को इसको इसी तरीके से लगाना होगा, वरना ये फार्म वर्क नहीं करेगा और बाद में आप लोग मुझको कमेंट में गाली दोगे। सो यस, अभी वापस हम लोग इस ब्लॉक को यहाँ से तोड़ लेते। तो अभी तो हमने लाइक शायद से 15% काम भी यहाँ पे कंप्लीट नहीं किया होगा, तभी मैं ऊपर आ चुका। तो अब बारी आती है वापस से ऊपर बिल्ड करने की। लाइक ये जो एरिया आप लोग देख रहे हो वो कुछ इस तरीके से ही दिखना चाहिए और इसको मैंने यहाँ पे और एक ब्लॉक ऊपर लाइन से बिल्ड कर दिया था। मैंने जैसे कि बोला यार अगर मैं कुछ भी स्टेप यहाँ पे मिस कर देता हूँ तो आप लोगों को वो हमारी फुल वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो जैसे हम लोगों ने नीचे 5 स्टोन के ब्लॉक्स लगाए थे वैसे हम लोगों को यहाँ पर भी वापस से 5 स्टोन के ब्लॉक लगाने होंगे और हम लोगों को यहाँ पे लगाने होंगे। लाइक जो यहाँ पर ये नॉर्मल पिस्टन आते हैं वो स्टिकी पिस्टन को हम लोगों को यहाँ पे नहीं लगाना होगा। और हाँ गाइस, अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो यार क्या कर रहे हो यार, जाके वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके जो आज मैं बेल वाला नोटिफिकेशन बन गया तो उसको दबा के ऑल पे सेट कर देना। आप लोग ये चीज़ें प्लीज़ कर देना और अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर भी कर देना। तब हम लोगों को यहाँ पे स्टोन को लेना होगा, इसको 1, 2 एंड 3 ब्लॉक्स आगे ले जाना होगा और ऐसे ही हम लोगों को 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3 यस। तो हम लोगों को सेम टू सेम यहाँ पे सामने भी करना होगा और हम लोगों को इस तरीके से पिस्टन के ऊपर भी ब्लॉक्स को लगा के जाना होगा ताकि हम लोगों को इसके ऊपर और जो काम करना है उसके लिए भी हम लोगों को थोड़ी सी स्पेस चाहिए होगी। तो मैंने इसको भी इसीलिए यहाँ पे लगाया हुआ है। तो इतना काम हो चुका है, अभी हम लोगों को बारी आती है यहाँ पे वापस से नीचे जाना होगा। अभी मैं देख लेता हूँ कि कितना अभी हम लोगों को क्या करना होगा। ओके सो यार इतना तो ये अभी हो चुका है। तो बारी आती है यहाँ पे चेस्ट लगाने की, तो हम लोगों को यहाँ पे डबल चेस्ट को लगा देना होगा और अब इसके मुझे लाइक जो डबल चेस्ट है उसको कनेक्ट करते हुए ऊपर लगाना होगा। लाइक 1, 2, 3, 3, 4 एंड 5 यस, हम लोगों को यहाँ पे 5 ऊपर लगाने थे उसको भी मैंने लगा दिया है। अब बारी आती वापस से यहाँ पे मुझे ऊपर लगाना होगा कंपोस्टर, तो मैंने यहाँ पे कंपोस्टर पे निकाल दिए हुए हैं। तो ये जो मैंने ऊपर लगाए थे उसके एक्सेट ऊपर मुझको यहाँ पे 5 कंपोस्टर को कुछ इस तरीके से लगाना होगा और अब ये भी लग चुके। तो वापस से बारी आती है ऊपर लगाने की। जो ये ऊपर होने वाले वो कंपोस्टर से कनेक्टेड होने चाहिए बिकॉज जो ऊपर कैल्प ग्रो होगी वो होपर में आएगी, होपर से वो आएगी सीधा कंपोस्टर में और कंपोस्टर जो होगा हमारा वो जब फूल हो जाएगा तो वो उसका बोन मिल बना देगा। ये एकदम सिंपल सा फंड है, उसके लिए हम लोग इतना सब कुछ करें। तो ये जो होपर है वो कंपोस्टर से कनेक्टेड होना चाहिए, वरना यार केल्प वरना यहाँ पर होपर में ही रह जाएगी और वो कंपोस्टर में नहीं जाएगी तो आपका बोन मिल नहीं बनेगा। सो आप लोग प्लीज़ यार सारे स्टेप्स को एकदम इजीली कर सकते हो यार, इतना भी कठिन नहीं है। मैं कर रहा हूँ तब तो कोई भी बना सकता है बिकॉज मैं नुबड़ा हूँ, आप लोग नुबड़े नहीं होगे। तो अभी मुझको इसको और एक लाइन आगे लाना होगा, लाइक और एक लाइन आगे बिल्ड करना होगा ताकि ये जो कैल्प होगी वो ज़्यादा बाहर नहीं आनी चाहिए। तो उसको हम लोगों को यहाँ पे जो ग्लासेस आते हैं उससे कवर भी करना होगा। तो सबसे पहले मैं उसके लिए यहाँ पे एक छोटा सा लाइक एक वॉल क्रिएट कर लेता हूँ जिससे हम लोग यहाँ पे प्लेइंग ग्लासेस को भी लगा सके। तो और यहाँ पे एक ब्लॉक यहाँ पर आ जाएगा और एक ब्लॉक हम लोग इसको यहाँ पे लगा देते तो ये ब्लॉक आ गए यहाँ पे ओपी। सो अभी इतना हो चुका है और अभी शाम भी हो जाने वाली है तो मैं सोच रहा हूँ कि जाके सो जाएगी या फिर हम लोग यहाँ पे लगा भी सकते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ यार जाके सो ही जाता हूँ। तो यस मैं यहाँ पे सो के भी आ चुका हूँ। तो बारी आ जाती है यहाँ पे वापस से प्लेइंग ग्लासेस लगाने की, तो हम लोग यहाँ से ग्लासेस लगाना स्टार्ट कर रहे थे। यार मैं रात को जाके सो गया था बिकॉज यार रात को बाद में ज़ोंबीज आते हैं और अगर उन लोगों ने यहाँ पे इसको फोड़ दिया तो फिर मैं कुछ भी गलत कर दूंगा जो मैं नहीं चाहता था। तो मैं जाके सो गया और अभी बारी आती है यहाँ पे ग्लासेस को लगाने की। तो ग्लासेस भी यहाँ पे ऑलमोस्ट लगी चुके हैं, बस यार नीचे की लाइन में मुझको 3 ग्लासेस लगाना होगा। 1, 2 लग जा भाई। यार ये ग्लासेस को लगाना थोड़ा कठिन है बिकॉज यार सिल्क टच है नहीं, अगर कुछ भी टूटता है तो वेस्ट हो जाता है जो बाद में मज़ा नहीं आता है। तो बारी आती है ऊपर जाने की, तो ऊपर जाने के लिए मैंने यहाँ पे लेडर्स को भी ले लिया है। यार ऊपर जाने के लिए लेडर्स चाहिए होगी बिकॉज देखो लेडर से फिर भी मैं नीचे गिर के मर जाऊंगा यार एक दिन यहाँ पे।
तो मुझको यहाँ पे लगाने होंगे स्लैब्स, तो स्लैब्स कहाँ पे चले गए, ये हमारे स्टोन के स्लैब्स, तो इसको मैं यहाँ पे हम लोगों को जो ये लाइक हम लोगों ने जहाँ पे ग्लासेस लगाए थे उसके ऑपोजिट साइड को यानी कि जो पिस्टन है उसके ऊपर हम लोगों को यहाँ पे स्लैब्स को लगाना होगा। स्लैब्स को लगाने के बाद अब हम लोगों को यहाँ पे ट्रैप डोर्स को भी लगाना होगा, तो ये रहे हमारे ट्रैप डोर्स, तो इसको हम लोग यहाँ पर लगा सकते, तो 1, 2, 3, 4 एंड यहाँ पर लग गया हमारा पाँचवा। ये अभी इतना हो चुका है, तो अभी हम लोगों को यहाँ पर ये जो स्टोन का स्लैब है उसके ऊपर वाटर बकेट लाइक ये जो वाटर आर्ट है उसको लगाना होगा। तो उसके लिए हम लोगों को सबसे पहले यहाँ पे अनलिमिटेड वाटर सोर्स लगाना होगा, और मैं भाई गिर गिर के ही मर जाऊँगा यार नेटर से, फिर भी यहाँ पे मैं गिर रहा हूँ। तो सिंपल सी यहाँ पे जो आता है हमारा लाइक जो अनलिमिटेड वाटर सोर्स बनाते हैं तो उसको सबसे पहले बना लेता हूँ। तो यार पहले तो मैंने गलती कर दी ऐसा लग रहा है, यस मैंने यहाँ पे बीच में पानी डाल दिया था, तो अभी इसको ले लेते हैं और वापस से हम लोग इसको यहाँ पे लगा देते। तो यस हमारा यहाँ पर अनलिमिटेड वाटर सोर्स बन के रेडी हो चुका है, तो मैं यहाँ पे दोनों की दोनों जो बकेट है उसके अंदर वाटर ले लेता हूँ। और अब ये मैंने वाटर ले लिया, तो अभी हम लोग सिंपल से यहाँ पे ऊपर चलते बिना गिरे हुए। तो अभी ये मुझे यहाँ पर ये जो स्टोन के स्लैब है उसके ऊपर यहाँ पे ऐसे पानी डालना होगा, और इस स्टेप को मुझे ये जो बाकी के अभी और 3 बच रहे उसके अंदर भी करना होगा। सो गाइस मैं ये करता हूँ और आप लोगों से मिलता हूँ सिर्फ 2 मिनट में। सो यस यहाँ पे लास्ट वाले स्लैब के अंदर ही मुझको यहाँ पर वाटर डालना होगा, तो वो भी मैं वाटर लेके आ चुका। तो हम लोग ये जो वाटर बकेट इसको इसके अंदर डाल देते। तो यहाँ पर यार इतना तो हो चुका है, बारी आती है साइन बोर्ड चाहिए होगा हम लोगों को, और मैं साइन बोर्ड लेकर नहीं आया। अब काम हम लोगों को स्लाइन लाइक स्लाइड क्या बोलते हैं यार भाई मैं भूल भी जाता हूँ इतनी जल्दी, साइन बोर्ड चाहिए। यस हम लोगों को चाहिए होगा साइन बोर्ड, और वो लेकर तो मैं आया ही नहीं, तो अभी मैं वापस से जाता हूँ यार यहाँ पे मेरी नीचे अंदर जो मैंने बंकर बनाई उसके अंदर, और यहाँ से मैं सीधा साइन बोर्ड लेके आता हूँ। सो यस यहाँ पे मैंने साइन बोर्ड भी बना दिया है, तो अब मुझे वापस से वहाँ पे जाना होगा। यार अच्छा हुआ मेरे पास सामान पड़ा हुआ था, वरना यार अभी तो जब से ये फार्म बनाया था क्रीपर वाला तब से मेरे पास यहाँ पे सामान तो है ही नहीं, लाइक सामान तो बोल ही नहीं सकता हूँ कि मेरे पास कुछ भी अभी बचा हुआ है। फिर भी चलो यहाँ पर इतना था तो मैंने इसको बना दिया। तो अभी ये जो हम लोगों को ऊपर वाले क्लासेस है उसके ऊपर हम लोगों को यहाँ पे साइन बोर्ड लगाने होंगे। यस आप लोग भी प्लीज इसको ध्यान रखना, अगर आप लोग यहाँ पे नीचे की साइड को लगाओगे तो फार्म वर्क ठीक से नहीं करेगा। बाद में मत बोलना कि भाई फार्म तो वर्क कर ही नहीं रहा है, बस इतना बोल सकता हूँ आप लोगों को। तभी यार ये इतना भी हो चुका है, तभी नीचे जाके देख लेते कि ये ऊपर की तरफ ही है या नीचे की तरफ है, बिकॉज यार भूल तो मुझसे भी हो सकती है, तो देख लेते। यस चलो ये ऊपर की साइड को ही मूव कर रहे। तो अभी ये इतना हो चुका है, बारी आ दी फाइनल स्टेप लाइक ऊपर का फाइनल स्टेप जिसको हम लोगों को करना है। बाद में तो रेडस्टोन का थोड़ा सा काम है, तो जो हम लोगों ने यहाँ पे सैंड लगाई थी उसके ऊपर हम लोगों को यहाँ पे कैल्प लगा देना होगा, 1, 2, 3, 4 एंड 5। और अब ये जो ट्रैप डोर है उसको हम लोग यहाँ पे बंद कर देते हैं, तो उसके लिए मुझे क्राउड पे से हट जाना होगा। तो यस हम लोगों ने यहाँ पे इसको भी बंद कर दिया, ये लास्ट वाला था उसको भी हम लोगों ने बंद कर दिया। बिना गिरे मैं नीचे जा सकता हूँ या नहीं? यस यार मैं बिना गिरे यहाँ पे नीचे आ गया। तो बारी आ गई रेडस्टोन लगाने की, तो एक रेडस्टोन उसके ऊपर हम लोगों को लगाना होगा एक ब्लॉक, रेडस्टोन के ऊपर हम लोगों को ब्लॉक लगाना होगा, ये आप लोगों को याद रखना होगा। तो एक ब्लॉक यहाँ पे आ जाएगा, बाद में वापस हम लोगों को साइड की साइड को आना होगा और यहाँ पर आ जाएगा और एक ब्लॉक। अभी हम लोगों को इसके ऊपर और एक ब्लॉक लगाना होगा, बस लग जाना चाहिए, और ये लग गया और एक ब्लॉक। चलो बहुत ही ओपी, इसके ऊपर हम लोगों को रेडस्टोन लगाने होगी नहीं कि उसके साइड पे, तो हम लोगों ने इसको भी यहाँ पे कर दिया है। और अब इसके ऊपर हम लोगों को एक ब्लॉक लगाना होगा जो मुझे नहीं लग रहा है कि लग जाएगा, लाइक देखो यार ये तो लग ही नहीं रहा यार, लग जा एक ब्लॉक ही तो लगाना है, एक ब्लॉक लगाना इतना फील कर दिया, फिर एक ब्लॉक लगाने के लिए मुझे इतना यहाँ पे देर लगने वाली है ना मैं बता रहा हूँ। अभी मुझको यहाँ पे यार लग नहीं रहा है, तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा ज़्यादा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा चीज़ें करनी पड़ेगी, लेकिन हो जाएगा। तो अभी मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा प्लेटफॉर्म बनाया है और अब जाके यहाँ पे मैं लगाने वाला हूँ, अब तो लग ही जाएगा, पक्का लगना ही चाहिए, वरना यार इसके ऊपर और एक ब्लॉक लगाना होगा मुझे, और बाद में साइड पे एक ब्लॉक लगा सकता हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोग भी नहीं समझ रहे होगे, बिकॉज मैं खुद यहाँ पे नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं क्या बोलने की ट्राई कर रहा हूँ। तो रुको यार मैं इसको यहाँ पे लगा तो, और आपसे मिलता हूँ सिर्फ 2 मिनट में। सो यस फाइनली यहाँ पे मैंने ऊपर भी ब्लॉक लगा दिया है, और अब बाहर आती और थोड़ा हम लोगों को रेस्टोन का काम करना था, उसके लिए एक ब्लॉक यहाँ पे, और बाद में जो हम लोगों ने यहाँ पे पिस्टन लगाए थे उसके नीचे की साइड को 5 ब्लॉक को लगाना होगा। और अब मुझको वापस से ऊपर जाना होगा, और ऊपर जाने के लिए तो रास्ता है ही नहीं, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे और थोड़ा सा डर्ट से रास्ता बनाना होगा। यार ये डर्ट को मैं निकाल दूंगा, टेंशन मत लो इतना, और वापस से रात भी होने वाली है, तो यार वापस से घर पे जाता हूँ, सोकर ही आप लोगों से मिलता हूँ, बिकॉज यार ज़ॉम्बीज से पंगा मतलब कि भाई क्रीपर आएगा फोड़ के चला जाएगा,
क्रीपर फार्म में मेरे क्रीपर्स नहीं आते, लेकिन ऐसे नॉर्मली आते रहते, पता नहीं फिर भी मैंने क्यों यहाँ पर क्रीपर फार्म बनाने की ट्राई की। तो अब मुझको यहाँ पर एक रेस्टोन लगाने होगी जो यहाँ पर बंद होनी चाहिए, और अब उसके बाद यहाँ पर मुझे सारे पिस्टन से यहाँ पर रेस्टोन टॉर्च को कनेक्ट कर देना होगा, और एक लास्ट वाली यहाँ पर, और अभी यहाँ पर भी एक रेस्टोन टॉर्च आके आगे एक डस्ट आ जाएगी। सो यस, अभी हम लोगों का फार्म बन के रेडी हो चुका है, बस एक बार नीचे जाना होगा मुझे और देख लेना होगा कि यार मैंने सारी रेडस्टोन का जो हम लोगों का काम था वो मैंने ठीक से किया या नहीं किया, वरना यार कुछ भी अगर गलत होगा तो फिर यार कैल्प का वेस्ट होगा जो मैं नहीं चाहता हूँ, बिकॉज यार बोन मिल फार्म बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी के टाइम पर हमारे लिए। तो यस, यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, नीचे वाली दोनों बंद है, ऊपर वाली एक चालू है, और उसके एकदम ऊपर वाली भी तो ऑब्वियसली बंद ही है। सो यस, यहाँ पर मैंने शायद से ये जो हम लोगों का फार्म है उसको एकदम एग्जैक्टली बना दिया है जिससे मुझको यहाँ पे बनाना था, जिससे हम लोगों का जो बोन मिल फार्म है वो वर्क करना चाहिए। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि यार इसको पूरा का पूरा स्टार्ट करके देख लेते हैं। सो यस, यहाँ पे मैं आगे आ चुका और अब बारी आती है यार इसको चालू करने की, तो इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे चालू। और यस, यहाँ पे हम लोगों की जो कैल्प है वो कट के तो बाहर आ रही है, बस यार अब इसका बोन मिल भी बन जाना चाहिए, वरना यार इतनी मेहनत की सब पानी में चले जाएगी। तो यस, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि वो यहाँ से यहाँ पर आ जाएगी जो हमारा बोन मिल आएगा बन के कंपोस्टर में से, तो अभी थोड़ा सा वेट करती इसको पूरा का पूरा फिल करने देते। सो यस यार, अभी इतना तो हो ही चुका होगा, अभी देख लेगी अंदर जाके कि यार ये पूरा का पूरा वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। सो यस यार, देखो ना मैं आप लोगों से बात कर रहा था और उतने में यहाँ पे जो हमारा बोन मिल है वो बन के आ रहा है। लाइक देखो इतनी मिनट में यार यहाँ पे 11 बोन मिल बन के भी यहाँ पर रेडी हो चुका है। सो यस गाइस, आप लोगों ने जैसे कि आज की वीडियो में देख लिया होगा कि हम लोगों ने हमारे माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में बना लिया है एकदम ही ओपी सा बोन मिल फार्म, जो एकदम ही ज़्यादा ओपीली वर्क भी करता है और वो हम लोगों को एकदम ओपी बोन मिल भी देता है। लाइक जितना टाइम हम लोग यहाँ पर खड़े रहते हैं उतना ही देता है, बट जो भी देता है बहुत ही ज़्यादा ओपी देता है। और गाइस यार, इतनी मेहनत की इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने, तो यार इस वीडियो पे लाइक एम कर दे 10 लाइक का। आई नो कम्प्लीट नहीं होगा बट फिर भी मैं बता रहा हूँ यार, पता नहीं यार अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ गया, आप लोगों ने कर दिया लाइक तब तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाएगा, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर देना और बताना कमेंट करके कि यार आप लोगों को ये बोन मिल फार्म कैसा लगा, बिकॉज अगर मुझे पूछोगे तो ये बोन मिल फार्म बहुत ही ज़्यादा ओपी वर्क कर रहा है, और कोई भी फार्म वर्क करता है तो वो तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात होती है, बिकॉज सबको पता है यार कुछ कुछ फार्म्स तो ऐसे होते हैं जो वर्क भी नहीं करते। और यार वेट अ मिनट, मेरे बाजू में भाई साहब यहाँ पर पिंक सीप स्पॉन हो चुकी है जिसके चांसेस बहुत ही ज़्यादा रेयर होते हैं। अरे भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा रेयर चीज़ मिल चुकी है, मैंने लाइक और एक पहले बार भी पोस्ट डाली थी जिसमें ये आई होगी, बट तब तो मैंने इसको मार दिया था, बट इस बार मैं इसको नहीं मानने वाला। सो यस गाइस, जैसे पूरी टुडेस वीडियो, अगर आज की वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल पर आता सब्सक्राइब करके, तो जो मैं बेल वाला नोटिफिकेशन मन का उसको दबा के ऑल पे सेट कर देना। मैं मिलता आप लोगों को चली के नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय टाटा, सी यू एंड टेक केयर फ्रॉम द गेमर्स।